हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों बता दे दोस्तों, लॉकडाउन में तो ये मूवी की उल्टी पुल्टी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मूवी के हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी के बारे में। यो पांच छह मूवी की बात करेंगे, कौन सी ऐसी ऐसी मूवी है जिसका पूरा टाइटल कंफर्मेशन हम लोगों के सामने है कि ये डायरेक्टर के साथ मूवी होंगी। आप क्योंकि आपको पता है नए नए डायरेक्टर जुड़ते जाते हैं SRK के साथ काम करने के लिए, और हर एक डायरेक्टर का चाहत है कि SRK के साथ काम करे। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्टर है वो है हमारे सिद्धार्थ आनंद, जिनके साथ मूवी बनी रही है, शूटिंग भी हो ही रही है। उसका नाम है पठान। हाँ दोस्तों, पठान मूवी में बता दे हमें नज़र आने वाले हैं शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पाडुकोण, डायरेक्ट भाई सिद्धार्थ आनंद, प्रोड्यूस भाई आदित्य चोपड़ा, यश राज फिल्म के तहत इसको बनाया जा रहा। अगर वहीं हम लोग बात करें दूसरी मूवी है हिरानी साहब की। हाँ दोस्तों, राजकुमार हिरानी की मूवी पंजाब टू कनाडा। हाँ दोस्तों, ये मूवी बायोग्राफी पे बेस्ड मूवी है। इस मूवी का जो स्क्रिप्ट होने वाला है वो पंजाब टू कनाडा में एक जर्नी दिखाई जाएगी एक बंदे की, और वो बंदा कैसे कनाडा जाता है और फिर वहाँ पे कैसे वो जाने के लिए जद्दोजहद करता है, उनकी जर्नी दिखाई जाएगी, स्ट्रगल दिखाई जाएगी। तो ये मूवी भी राजकुमार हिरानी की है, तो इस पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता, उनकी मूवी पे सवाल करना गलत होगा। तो वहीं तीसरी की बात करें तो साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर एटली कुमार। हाँ दोस्तों, एटली कुमार और भी डायरेक्टर का नाम जुड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और एटली कुमार की मूवी, हाँ दोस्तों एटली कुमार की मूवी सन की, जिसका अभी तक टाइटल बताया जा रहा। और बता दे दोस्तों, ये सन की पुलिस वर्सेस गैंगस्टर, जिसमें उनका डबल रोल होने वाला है। हाँ दोस्तों बता दे, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर एटली कुमार की मूवी होने वाली है। और एटली कुमार ने अपनी, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन से पहले अपनी ऑफिस को मुंबई में शिफ्ट कर लिए थे, इसी मूवी को लेकर हिरानी के शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए अपनी जो ऑफिस है उसको मुंबई में शिफ्ट किए। और अब लगातार शूटिंग चलती, अगर अभी तक पठान की, अगर कोरोना नहीं होता तो पठान की शूटिंग ख़त्म होने के इस तकार पे आ जाती। और बता दे तो हिरानी के बाद जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं एटली कुमार। हाँ दोस्तों, एटली कुमार की मूवी सन की होने वाली है। अगर वहीं लोग बात करें चौथे मूवीज़ की, तो चौथे मूवी आपको बता दे संजय लीला भंसाली। हाँ दोस्तों, संजय लीला भंसाली या राजन डी के, तो पहले हम लोग संजय लीला भंसाली को रखते हैं। संजय लीला भंसाली की मूवी इजहार, जिसमें एक रोमांटिक मूवी होने वाली है, और ये मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं संजय लीला भंसाली, प्रोड्यूस भी संजय लीला भंसाली करने वाले हैं। और बता दे दोस्तों, इस मूवीज़ का जो थीम होने वाला है, इस मूवीज़ का ये थीम जो होगा वो हिंदुस्तान से जाएगा यूरोप तक साइकिल से सफ़र कर कर, और मतलब एक इंडियन बॉय को प्यार हो जाएगी एक फॉरेन गर्ल से, उसके चक्कर में वो यहाँ से इंडिया से साइकिल लेकर यूरोप जाएगा, और वहाँ पे वो जाएगा फिर कैसे उनकी भाषा समझेगी, ये वो बहुत स्ट्रगल वाली मूवी होगी, मोटिवेशनल मूवी होगी, तो वो होगी। उसके बाद नाम आता है राज एंड डी के का। हाँ दोस्तों, राज एंड डी के, बता दे राज एंड डी के ने भी हाल ही में कंफर्म की कि उनकी मूवी को भी हिरानी ने किंग खान ने हरी झंडी दे दी है, और वो भी किंग खान के साथ काम करने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश है इस बात से लेकर कि उनको किंग खान के साथ काम करने का मौका मिला। अगर हम लोग राज एंड डी के बात करें तो उनकी हाल ही में उन्हीं की मूवी आ रही है एक, जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन टू आ रही है, और पेटीएम ये अमेजोन प्राइम वीडियो पर। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें मूवी नंबर छः की, तो मूवी नंबर छः पर या तो यश राज फिल्म्स की बड़ी बिग बजट मूवी होने वाली है, या तो होने वाली है संजय लीला भंसाली की दूसरी मूवी, वो जो होने वाला है बैजू बाबरा मूवी बन सकती है, तो या तो हमारे यश राज स्टूडियो की बड़ी मेगा एक्साइट मूवी। तो इस बारे में आप लोगों का राय क्या है, और आप क्या चाहते हो कि पठान के बाद कौन सी मूवी को जस्ट स्टार्ट करनी चाहिए, किंग खान इस बार कितना धमाका मचाएंगे, कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।